बात करेंगे राजधानी देहरादून की, जहां पर नगर निगम डस्टबिन फ्री दून के तहत आगे बढ़ रहा है। शहर में 28 जगहों को चिन्हित कर निगम ने सभी कूड़ेदानों को हटा दिया था। वहीं कूड़ा उठान की गाड़ियों को डोर टू डोर जाकर कूड़ा उठाने के निर्देश दिए गए थे। निगम को अंदाजा था कि यह प्रयास शहर को साफ रखने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। हालांकि यह योजना उतनी बेहतर साबित नहीं हो पाई जितनी की निगम ने कल्पना की थी। निगम के प्रभारी मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने कहा कि जिन 28 जगहों को चिन्हित किया गया था उनमें से 20 जगहों पर कचरा नजर नहीं आता। हालांकि 7 से 8 ऐसी जगहें थी जहां आज भी लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं। निगम का प्रयास है कि इन जगहों पर लोग कूड़ा न फेंकें, जिसके तहत काम भी कर रहे हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कैसे डील करने वाला है फिलहाल, क्या प्लान है? देखिए, डस्टबिन फ्री सिटी की तरफ हम लोग देहरादून को लेके जा रहे हैं। इसके क्रम में करीब हम लोगों ने अभी तक 27 या 28 स्थानों से हम लोगों ने डस्टबिन को हटाए हैं। उसमें से लगभग करीब 20 ऐसे स्थान हैं जहां पे कि आज हम लोग जो है वहां पे जो है कचरा मुक्त हो गए हैं, अर्थात वहां पे किसी भी प्रकार का गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट नहीं है। लेकिन अभी ऐसे 7 और 8 स्थान ऐसे हैं जहाँ पे हमारा जहाँ पहले बिजनेस लोगों की आते कह लीजिए या फिर हमारे वाहन वाहन ना पहुँच पाने के कारण अभी भी जो कचरा है वो वहाँ सड़कों पर आ रहा है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और अब हम लोगों ने 2 ऐसी कंपनियों को भी हायर किया हुआ है जो कि डोर टू डोर की जो मूवमेंट्स होती हैं उन पर गहन नज़र रखते हुए और उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते हुए वे इस कार्य को कर रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है कि हम लोग उसको भी बहुत जल्दी ओवरकम कर लेंगे और वहाँ पे भी जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उनको भी हटा